आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। एक्ट्रेस पूनम ढिल्लन ने 1978 में फिल्म त्रिशूल से बॉलीवुड में ड्रीम डेब्यू किया था। फिल्म में उनके अपोजिट अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार, शशि कपूर, राखी और हेमा मालिनी जैसे दिग्गज कलाकार थे। फिल्म में पूनम ने संजीव कुमार की टीनेज बेटी का रोल प्ले किया था। जब पूनम इस फिल्म की शूटिंग कर रही थी तब वे मात्र 16 साल की थी। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने अपना पहला शूटिंग एक्सपीरियंस शेयर किया। सेट पर पहले दिन का उनका पहला सीन अमिताभ बच्चन के साथ था। पूनम ने कहा, मेरा पहला सीन था जिसमें मेरा एक्सीडेंट हो जाता है और अमिताभ बच्चन मुझे गोद में उठाकर ले जाते हैं। किसी ने यह महसूस नहीं किया कि यह मेरा पहला दिन था और मैं इतने बड़े एक्टर्स के साथ शूट कर रही थी। अमिताभ मुझे बाहों में उठाकर शूट कर रहे हैं और मुझे प्रॉप की तरह ट्रीट कर रहे थे। पूनम ने आगे बताया, फाइनली जब सीन खत्म हुआ तो अमिताभ ने मुझे नीचे उतारा और सभी लोग अगला सीन शूट करने निकल गए। सिर्फ डायरेक्टर यश चोपड़ा ने महसूस किया कि यह मेरे करियर का पहला शॉट था। वो मेरे पास आए और बोले, ऑल द बेस्ट कुड़िए। इंटरव्यू में पूनम ने एक और किस्सा शेयर किया। उन्होंने बताया कि फिल्म की शूटिंग दिल्ली में हो रही थी। सेट पर हजारों लोग इकट्ठा हो गए। भीड़ में से एक महिला मेरे पास आई और उसने मुझसे पूछा कि अमिताभ बच्चन की बाहों में रहकर कैसा फील हुआ। मैंने उसे जवाब दिया कि मैं डरी हुई और नर्वस थी, इसलिए महसूस नहीं कर पाई। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।